सरपुर में माघ पूर्णिमा के मौके पर आयोजित होने वाले 3 दिवसीय सरपुर महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। महोत्सव 26 फरवरी तक चलेगा। पहली बार महोत्सव की शुरुआत गंगा आरती से की गई, साथ ही पहली बार पुण्य स्नान के लिए कुंड भी बनाया गया। तीनों दिन ख्याति प्राप्त और स्थानीय कलाकारों की तरफ से रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति देखने को मिलेगी। इस बार गंगा आरती का कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहेगा। जी सर, आप बताएं कि इस बार का सिरपुर महोत्सव क्या खास है? इस बार के सिरपुर महोत्सव में पहली बार गंगा आरती का शुभारंभ होने जा रहा है, और इसके साथ साथ इसको थोड़ा व्यवस्थित करते हुए स्थानीय कलाकार और जो बाहर के ख्यातिलब्ध कलाकार हैं, जिसमें बॉलीवुड के कलाकार आदि भी शामिल हैं, उन सबको इसमें सम्मिलित किया गया है ये कार्यक्रम में है। और मेला स्थल को भी व्यवस्थित किया गया है, जो गंगा आरती नई जो पहल के रूप में प्रारंभ हुई है, और उसके लिए कुंड का भी निर्माण किया गया है। और आपने जैसे देखा होगा कि मेला स्थल का भी सौंदर्यीकरण अच्छे से हो गया है, लाइट की भी व्यवस्था परमानेंट हो गई है। ये सब कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छे एक सोच और प्लानिंग के तहत इन सब सारी चीज़ों को कराया गया है। जो गंगा आरती की आप बात कर रहे हैं, इस बार जो शुरुआत होगी एक दिन के लिए कि तीनों दिन होगा? ये तीनों दिन होगा गंगा आरती, और जैसे कि उम्मीद है कि 26 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें शामिल होंगे। अच्छा, इस बार जो कलाकारों की अगर बात करें, महोत्सव का जो आयोजन हो रहा है, किस स्तर के कलाकार का यहाँ इस बार कार्यक्रम होगा? देखिए, 2 सत्र में बांटा गया है। प्रथम सत्र में जो होगा उसमें जो स्थानीय कलाकार हैं उनको उनका मंचन होगा, उनके कार्यक्रम का तय किया गया है, और उसके आपसे कार्यक्रम प्रारंभ भी हो चुका है। और द्वितीय सत्र में जो बॉलीवुड के जैसे कि अभिजीत सावंत जी हैं, गीता सार हैं, आरू साहू हैं, और इस तरह से राज्य के भी जो बहुत ख्यातिलब्ध कलाकार हैं, उन लोगों के ट्रुप का प्रस्तुतिकरण है।